हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ के लिस्टिंग से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे लिस्टिंग में, यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे, मतलब एक ओवरव्यू लेकर के चलेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके लिस्टिंग से रिलेटेड, लिस्टिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मेरा पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें लिस्टिंग में, आप देख सकते हैं मेरे भाई कि 28 दिसंबर को इसका लिस्टिंग डेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला, मतलब कल के दिन इसकी लिस्टिंग यहाँ पे होनी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी हम लोगों को अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब 71.51 times ये सब्सक्राइब हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें डिमांड भी हम लोगों को देखने को मिली है। देन उसके अलावा एक अच्छा पॉइंट ये है कि लिस्टिंग के बाद इसकी जो होल्डिंग है वो 68-69% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि इसके पहले अगर देखा जाए तो पूरा 100% यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास थी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग से रिलेटेड बातें करने वाले हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है, वो था है कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं कि 19, 20, 21, ठीक है, जन यहाँ पे सितंबर, मतलब 6 मंथ का डाटा है। तो यहाँ से इसका डायरेक्टली कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ से हम लोगों को ये मालूम चलेगा दोस्तों कि कंपनी यहाँ पे ग्रोइंग मोड में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 19 में करीब 400 के आसपास, देन 20 में देख सकते हैं कि 730 के आसपास है, देन 21 में आप देख सकते हैं कि 1200 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखिए हर साल ईयरली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट में जंप है वो लगभग, ठीक है, आसपास यहाँ पे 2 गुना तक का जंप हम लोगों को प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो 6 मंथ का डाटा है वो भी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे जो अपना इनका जो बिजनेस है, ठीक है, वो ग्रोइंग मोड में है। देन यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो सुप्रिया लाइफ साइंस है दोस्तों, मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड इनका बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आते हैं हम लोग मेन पॉइंट के ऊपर। सो अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीधा अपने आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आ गए, ठीक है, जो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि 27 दिसंबर का जो यहाँ पे जीएमपी है वो 140 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर इसके कट ऑफ प्राइस से यहाँ पे अगर हम लोग तुलना करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीएमपी है वो 50% से के आसपास यहाँ पे या फिर उससे अधिक ही देखने को मिल रही है। सो एक अच्छा हिंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉटरी तो लगने वाली है, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चलते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन 50% का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। इसी के आसपास आप लोगों को इसका लिस्टिंग यहाँ पे मार्केट में डेब्यू वाले दिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकती है, मतलब कल के दिन। तो अलॉटमेंट वालों को हम कह सकते हैं कि 50% का यहाँ पे प्रॉफिट कल के दिन यहाँ पे जब कंपनी लिस्ट होगी तो वहां तक देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग उम्मीद की बातें करें तो आप देखिए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 40% का है। तो यहाँ पे 40% भी होता है तो भी हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों को। देन यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें दोस्तों तो लिस्टिंग डे वाले दिन इसमें अच्छी खासी बाइंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। देन अगर फ्रेश बाय वालों की अगर हम यहाँ पे बातें करें तो दोस्तों आप चाहें तो इस कंपनी में फ्रेश बाय कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट के आने का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तब तक वेट भी कर सकते हैं, एक बार रिजल्ट देखने के बाद अगर एंट्री लेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। सो उसके हिसाब से भी आप लोग अपनी थिंकिंग इस हिसाब से भी यहाँ पे सोच कर चल सकते हैं। और एंड अगर बाय करना है तो कंपनी के अभी तक के परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो उसी बेसिस पे यहाँ पे बाय भी करके चल सकते हैं। देन यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा वो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहेंगे, तो दोस्तों आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की उसमें बात नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना कोई भी गलत काम नहीं है, पैसा आपका है तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कुछ और कमाना तो एक ट्रिक मैं बता सकता हूँ कि आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए
ये कंपनी 50% तक यहाँ पे लिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना जो मूलधन इस कंपनी में आप लोग लगाए होंगे उसको यहाँ पे निकाल दीजिए, और प्रॉफिट वाले जो फिगर रहेगा उसको यहाँ पे मार्केट में छोड़ सकते हैं, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो इसी जो अगर कुछ भी कंपनी में होता है ऊपर नीचे, तो ये प्रॉफिट ही आप लोगों का रहेगा, उसी में थोड़ा कम होगा या अधिक होगा, तो जो भी होगा वो प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप चाहें तो आजमा के चल सकते हैं। तो कल इसकी लिस्टिंग यहाँ पे धमाकेदार यहाँ पे होगी, अलॉटमेंट वालों को यहाँ पे पक्का लॉटरी लगते हुए हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, सो ओवरऑल बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अगर आप चाहें तो आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा जाए तो इनके लिस्टिंग से रिलेटेड सभी चीजें आपको बता दी गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।